और अगली खबर लखनऊ से है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोक भवन में हुई है योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, 19 प्रस्तावों को पास किया गया है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक, 19 प्रस्ताव पास हो गए हैं। आपको बता दें योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव कैबिनेट पे पास किए गए हैं, उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव, पर्यटन विभाग के 2 प्रस्ताव, औद्योगिक विकास के 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं, कृषि विभाग के 2, खाद्य विभाग का 1 प्रस्ताव इस लोक भवन की बैठक में पास हुआ है। वित्त सांस्कृतिक विभाग के 1-1 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। गृह विभाग के 3, हथकरघा विभाग का 1 प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। तिलहनी फसलों के फ्री बीज मिनी किट वितरण का प्रस्ताव पास किया गया है। तिलहनी फसलों के फ्री बीज मिनी किट वितरण का प्रस्ताव पास हुआ है। तिलहनी फसलों के फ्री बीज का जो प्रस्ताव था वो पास हुआ है। गेहूं क्रय में आने वाले अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी, अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, ये भी प्रस्ताव पास हो गया है। लखनऊ लोक भवन में जो योगी कैबिनेट की बैठक थी उसमें 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव को मंजूरी मिली, पर्यटन विभाग के 2, औद्योगिक विकास के 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं, कृषि विभाग के 2, खाद्य विभाग का 1 प्रस्ताव पास हुआ है इस लोक भवन की मीटिंग में। वित्त और संस्कृति विभाग के 1-1 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, 19 प्रस्ताव जो है पास हुए हैं जिसमें उच्च शिक्षा के 5 प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों से विभागों को कितना और बल मिलेगा? देखिए, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अहम कैबिनेट बैठक करी और खासतौर से इसमें जो निर्णय है, जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उनमें 3 क्षेत्रों को हम महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो वो माना जा सकता है। सबसे पहला निजी विश्वविद्यालय को लेकर के उन्होंने प्रस्ताव पास किए हैं। इनमें 3 निजी विश्वविद्यालय अगर हम बात करें तो महर्षि महेश योगी रामा विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरा प्रस्ताव महर्षि योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्लौर कानपुर नगर के लिए प्रस्ताव पास हुआ है और साथ में शारदा विश्वविद्यालय आगरा इसका प्रस्ताव पास हुआ है। और अगर हम बात कर लें तो साथ में इसके साथ में बरेली में एक और जो निजी में जो फ्यूचर विश्वविद्यालय है इसको लेकर के निजी विश्वविद्यालय की एक प्रस्ताव पास हुए। इस तरह से कुल मिलाकर के निजी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय खोले जाने हैं इनके प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। निश्चित तौर से जो योगी सरकार है वो शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको बेहतर शिक्षा मिल सके और अपने अपने जिलों में ही इस तरह के विद्यालयों का स्थापना करना साफ दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की मंशा किस तरह से उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर लाने की है। दूसरा अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री ने आज मथुरा में वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया गया है, इसको लेकर के प्रस्ताव पास हुआ है और साथ में पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है। अगर हम बात करें तो किसानों के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से किसानों को लेकर के लगातार आक्रोश रहता है, विपक्ष सवाल को उठाता है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निःशुल्क बीज मिनिकिट वितरण योजना को हरी झंडी दे दी है और साथ में जो फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को लेकर के जो अगर हम कहें तो रबी में दलहनी फसलों के निःशुल्क बीज मिक्रण वितरण को भी हरी झंडी मिली है। ये तमाम योजनाएं थी, इस तरह के लगभग 19 प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिल गई है। पावर लूम जो बुनकर हैं उनके लिए फ्लैट रेट की व्यवस्था को 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 के लिए
लागू रखे जाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये अब तक के मुख्य प्रस्ताव थे जिनको आज योगी कैबिनेट से पास कर दिया गया है, और इसके पास होने के बाद निश्चित तौर से जो अगर हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और खासतौर से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन देखने को भी मिल सकता है। ये तमाम मुद्दे आज कैबिनेट प्रस्ताव में रखे गए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे 19 जिन्हें पास कर दिया है इस कैबिनेट की बैठक ने। आपका शुक्रिया मनीष हमें जानकारी देने के लिए और इस पर अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से इन प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, कहीं ना कहीं जो विभाग हैं उनसे अब और फायदा जो है जुड़े हुए लोगों को मिलेगा, क्योंकि गृह विभाग के 3 हथकरघा और तिलहनी फसलों के फ्री बीज मिनी किट वितरण का प्रस्ताव पास हुआ है। कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा, तिलहनी फसलों के फ्री बीज मिनी किट वितरण का प्रस्ताव जो है पास हुआ है, और ऐसे में किसानों के लिहाज से ये प्रस्ताव पास हुआ, उससे फायदा होगा किसानों को। गेहूं क्रय में को लेकर के जो खर्च आएगा उसका जो प्रतिपूर्ति होगी उसे राज्य सरकार उठाएगी, ये भी प्रस्ताव पास हुआ है। लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी।